ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਮਸਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੁਸਮ ਕੀ ਬਣਨ ਬਾਕੋ ਦੀਦੀ ਹਾਂ ਆਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨੇ ਸਜਾਈ ਕੋ ਲਾਗੀ ਜੀ ਅੱਲਾ हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज योर सिक्किम गर्ल एंड आई एम बैक विद न्यू व्लॉग सो गाइस आज वाला व्लॉग क्या होगा उसके लिए आपको विस्तार में देखना पड़ेगा और ये है मेरी बेटी मॉर्निंग गाइस मेरे फूफू के चैनल में आप सबका स्वागत है मॉर्निंग शाना गुड मॉर्निंग शानू आई लव यू शानू मेरे सानो मम्मी को ब्लग में वेलकम भन्दिनु सबैलाई गुड मर्निंग चैनल हाई गुड मर्निंग बाबा बाबा गुड मर्निंग सो गाइस आप लोग ने बेबी तो देख ही लिया एंड आज है एक छाकी और कल है श्राद्ध श्राद्ध हमारे ग्रैंडफादर के है तो उससे पहले एक दिन पहले एक छाकी होता है तो अभी बाबा थोड़ी देर में बाल को काटेंगे कल श्राद्ध करेंगे किसी ने नहीं देखा होगा श्राद्ध कैसे करते हैं आप लोग प्लीज़ देखना और जिसने देखा है और अच्छे से देखना क्योंकि ये सब देखना और जिन्होंने नहीं देखा ना ये सब जानना ना अभी जेनरेशन ऐसा चेंज हो रहा है कि पता ही नहीं होता है क्या होता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग के थ्रू हर चीज़ जो भी होता है जाने जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होता है कभी कभी एंटरटेनिंग भी करती हूँ बट मेरा ब्लॉग के थ्रू यही है कि जो भी देखते हैं कि मेरे ब्लॉग के थ्रू कुछ सीखे और आप लोग भी इंस्पायर हो जाए थोड़ा सा ही बट इंस्पायर हो जाए तो एनीवेज गाइज अभी नीचे खाना खाने के लिए जाते हैं और मेरे जीजू आए जो आपको पता ही है और आपको जीजू के साथ भी मिलाते हैं ओके सो गाइज अभी किचन जाते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते गुड मॉर्निंग कुसुम की बनाउन बाको दीदी हां आउन चाहिए थी ने सजाई को लागी जे ला तनुजा सेवा कर रही है मलाई भनेको जइया त खानु सो गाइस अहिले चाहिँ मेरो पनि खाना आइसकेको छ बहिनी खाइसकिस हम खाना वाना खाएंगे उसके बाद आप सबको बताएंगे कि आज का प्लान क्या है सिक्किम का वेदर इतना ठंडा है आजकल हम लोग खा रहे हैं चावल के साथ गरम गरम राजमा के दाल हाँ जी सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स को नमस्ते तो अब मेरी बूढ़ी बोलेगी आगे बोलो बोलो हाँ जी अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा वो गुरुद्वारा जहाँ पे हमारा शादी हुआ था है ना पहली बार जब हम मुलाकात हुआ था हमारे फैमिली के साथ तभी भी गुरुद्वारा में हुआ था और मेरे जहाँ पे इन्होंने मेरे साथ शादी हुआ था वो भी वहीं पे हुआ था तब शादी के बाद भी जैसे कल मैं अपने मंदिर चली गई थी है ना इनको लेके आज गुरुद्वारा ये मेरे को लेके जा रहे तो हम वही गुरुद्वारा लेके जाएंगे जहाँ हमारी शादी हुआ था तो आपको लेके जाते बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे जीजा जी गाड़ी लेके जा रहे अच्छा लग रहा है हम लोग वहाँ पहले गुरुद्वारा जाएंगे वहाँ पे पूजा करेंगे उसके बाद मैं अपने जीजू को इधर उधर का रास्ता में क्या क्या मिलता है वो सब दिखाती हूँ तो मेरे साथ बने रहिए बाय गाइस अहिले चाहिँ पानी पर्दैछ हो सबैजनाले भन्नु हुँदै थियो कि हिन्दीमा बनाउँछ ब्लग हिन्दीमा पनि बनाउँछु गाइस नेपालीमा पनि बनाउँछु दुइटैमा बनाउँछु सो द्याट मेरो भिडियो सबैले देखोस् भनेर दिदीले यहाँ हेल्प गर्नुहुँदैछ थ्याङ्क यू मैले लुगा लगाइसकेँ राम्री भइसकेँ त्यही भएर दिदीले हेल्प गरिदिएको सो गाइस अहिले चाहिँ हामी घरबाट निस्किसकेका छौँ र मेरो भेनाजुले चाहिँ गाडी चलाउँदैछ तन्जा अगाडि बसेकी चाहिँ र अहिले हामी सेतीपुल पुग्न आँटेको छौँ हिजो चाहिँ हामी मन्दिरहरू गयौँ दिदीहरू मन्दिरहरू जानुभयो हामी कजिनहरूकोमा गयौँ आज चाहिँ हामी थोरै दिनभरि रेस्ट गऱ्यौँ र भोलि चाहिँ श्राद्ध पनि छ घरमा सो गाइस यहाँ पे मेरे जिजाजी गाड़ी चला रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना पहाड़ के रास्ते में भी इतने अच्छे स्मूथली चला रहे इतना अच्छा अनुभव है उनको क्योंकि पंजाब तो इतना मेट्रो सिटी है और यहाँ पे अच्छे से चला रहे सो गाइस अहिले चाहिँ हामी बात गर्दै जाँदैछौं भेनाजू रास्ता कैसा लगा आपको यार थोड़ा सा इनके घर के पास में जो रास्ता है ना इनके घर को जाता है वो थोड़ा सा मुझे लगा उसमें खराबी ज्यादा है क्योंकि बारिश की वजह से ये तो जो सिटी का रास्ता है ये तो बिल्कुल ठीक है अच्छा रास्ता है बस ये है कि यहाँ पे एक लाइन में चलना पड़ता है क्योंकि रास्ता छोटा है
बट एवरीबडी फॉलो दैट दैट रूल, तो मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है, एकदम से कोई ओवरटेक नहीं करता। आप तो इतना स्मूथली चला रहे हो। कोई बात नहीं, हम चलाते रहते हैं कश्मीर कश्मूर सब, हम अपनी वाइफ को लेके सरदारनी को इधर कभी उधर भागा, बहुत भागा। परिस को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पे, ये कितनी बार लिए बोला लिए। है अब सरदारनी बन गट्स रख अंदर, हाँ चढ़दी कला चले ना आप। बट ये क्या नहीं, मेरा भी एक साल हो गया ना मैंने गाड़ी लिया, इसने कभी कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं, उतर देती है जब गाना भी लगा, बोलती है इसने तुमने ये ऑन करके दे हो, बोलती है बस तो। इतना ही, इतना बुराई नहीं करना बीबी का, छोड़ो भाई, जैसी भी है अपनी भाई लुगाई है, क्या बोलते हैं हमारी बूढ़ी है बस जैसी भी है अपनी बूढ़ी है भाई, बस मेरा भी जो भी है दीदी है, कोई ना फिक्र करती है। सो गाइस अहिले हामी गुरुद्वारा पुगिसकेको थियो र लास्ट टाइम मेरो दिदीको यहीँनिर बिहा भएको थियो र अहिले चाहिँ हामी माथा टेक्नुको लागि चाहिँ गुरुद्वारा गएको। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी गुरुद्वारा आइपुगिसक्यो, ये लगाएँगे या यही लगाऊँगे, ठीक है मैम यही से करूँ। सो गाइज म गुरुद्वारा थिएँ र उहाँले मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुँदो रहेछ र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई मनपर्छ। कहाँ बस्नुहुन्छ? ओके हुन्छ, थ्याङ्क यू। गुरुद्वारा साहब, सो तुसीं वेख सकदे आ इह गुरुद्वारा साहब आ जिथे साडियां लावां होईआं सीगीआं, ते नाल मेरे साक्षी आई है मेरे सारी, ते इह मेरी वाइफ तनुजा शर्मा, इहनां नूं समझ दोवां नूं जाणदे हो तुसीं, इह वी फेमस यूट्यूबर ने इक गैंगटॉक दे इत्थे सिक्किम दे। सो मैनू बहुत वधिया लग रहा अज इत्थे दुबारा मैं दर्शन करन आया सी गुरुद्वारा साहब, सो वधिया लगा सारे ने मिलिया, इत्थे दो तीन साडे फैन भी सी उहनां ने सानूं पछाणिया भी ते फोटो भी खिचाइया, बड़ा वधिया लगा कि इतों तक भी हम सू लोग पहचानते हैं, तो सारे का प्यार करके ये सब कुछ होया। सो कुछ बोलूगी? सो गाइज मैं गुरुद्वारा दो तीन बार आई हूँ, जैसे जब से कनेक्टेड है इनसे तो तब से एक वाइब होता है, मे भी ये सब कुछ होना ही होगा इसीलिए ये सबसे कनेक्टेड थे। मेरे डैड को पहले से कनेक्टेड थे, मैं ब्लॉग में हम पहले वाले ब्लॉग में भी बोली रही थी, अभी तो मैं भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आता है। एंड गाइज आप भी इधर आस पास रहते हो तो आप भी आ जाइए यहाँ पर, और एक और बात, यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। हाँ जी, और लंगर की बात करें या इनको लंगर जो खा ये मतलब छकते हैं ना पंजाबी बोलते, जो लंगर छकते हैं साक्षी बहुत पसंद है इतने का। सो साक्षी कहती कि तुम्हें गुजारिश है कि तुम भी अगर लागे लोकल रही तो तुम्हें भी इतने आना चाहिए। और वैसे भी गुरुद्वारा में आके तो इतना पीस होता है, इतना अच्छा लगता है, और मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मेरे को तो लोग जानते ही है, पहले से ही जानते थे मेरे को, हमेशा ये भी अपना ही कुछ करे, अपना ही नाम से लोग बोले बोल के आज मेरे सामने इसके फैन लोग बात के, एक अच्छा वाइब्स होता है क्योंकि अपना अपना इमेज अपना अपना रखना चाहिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहचान साक्षी की मैं ये बात बोल देता हूँ कि पहचान चाहे छोटी हो पर होनी अपनी चाहिए। तो तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर क्योंकि फिर से बारिश हो रहा है, और हमारे जीजू बहुत अच्छे से गाड़ी को चलाते हुए आगे जा रहे हैं, और तनुजा पीछे बैठे क्योंकि उसको डर लगता है क्योंकि रास्ता ही ऐसा है ना, बट वो बहुत आराम से चलाते क्योंकि मैं तो ड्राइविंग करती हूँ, मेरे को पता होता है, उसको तो आइडिया नहीं होता है ना, तो उसको ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही लगेगा। सो वी आर गोइंग, जीजू इज ड्राइविंग, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नया नया चीज़ देखने को मिला, नया नया चीज एक्सपीरियंस किया आज मैंने, तो अच्छा लग रहा है। और मेरे जीजू कुछ बोलना है आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज, थोड़ा बाहर निकल के अच्छा लग रहा है आज, है बाहर में, वैसे मैं पहले भी गैंगटॉक घूमा हूँ पर मुझे आज इन फैमिली के साथ आकर और भी अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग कुछ खाने के लिए आए यहाँ पे बालाजी बोक में, जो अभी अभी खुला हुआ है, मीन्स की अभी अभी ओपन हुआ है, वैसे तो रानी पुल ऊपर में भी है लेकिन ये नया वाला है, तो मैं अपने जीजा को लेके जाते हूँ। जीजा मोमो खाएंगे? जो भी खिलाओगे भाई। ऐसे ना करो, कल वाला इंसिडेंट याद आता है, समझ गया? तो अभी मोमो खाने के लिए हम लोग जो भी आप खिलाओगे हम अच्छे से खाएंगे, टेंशन मत लो। आ जाओ
ओके सो गाइस अहिले चाहिँ हामी बालाजी भोगमा आएको छ. यो चाहिँ रानीपुरमा छ. बालाजी भोग चाहिँ दुईवटा छ अहिले र यो चाहिँ रिसेन्टली ओपन भएको र एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई. यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईँहरू पनि आएर खानुहुन्छ. यहाँनिर राम्रो खान्छ. माथिको बालाजी भोगमा पनि एकदमै राम्रो राम्रो चिजहरू पाउँथ्यो र यहाँनिर पनि म देख्दैछु एकदम अपग्रेड भइसकेको छ हाम्रो रानीपुर पनि. र यहाँनिर हेर्दैछ के खाने हो भनेर. जिजाजी कैसा लग रहा है डोसा? आ गया आपका मोमोस. हाँ बताए. थैंक यू. यहाँ पे भैया जी सर्व कर रहे हैं हमको. गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं डोसा. मेरे को डोसा पसंद है तो मैंने ऑर्डर किया है डोसा. और मेरे जीजाजी के लिए मैंने ऑर्डर किया है मोमो. खाइए तो जीजाजी कैसा लग रहा है जो मोमोस सूप. हम लोग वैसे ना मोमो बोलते हैं, बाहर के लोग मोमोस बोलते तो. वैसे मोमोस ऐश लगता है ना क्योंकि ज्यादा है. ज्यादा है. एक कोई मोमो ठीक है. सो गाइज अहिले घर पनि आइपुगिसके. हामीले खाना वाना पनि खाइसक्यौँ र आजको ब्लग यही एन्ड गर्दैछु. थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर सो मच लभ एन्ड सपोर्ट. यसै प्यार गर्दै रहेन. म अरू अच्छा अच्छा भिडियो लिएर आउँगी. हिन्दी नेपाली दोनों. बीच बीचमा पन्जाबी भी हम लोग स्टार्ट गर्ने वाले. त बाई. थ्याङ्क यू.